मणिपुर उत्तर भारत में बसा एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद प्राकृतिक द्वारा दिया गया ठंडा गर्म हवा पानी और कृषि युक्त कार्यों के लिए उपयुक्त माना गया है। ₹22,347 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा इस राज्य में पहाड़ी हिस्सा 90% है और 10% घाटी है। क्षेत्र में 56,461 हेक्टेयर जल निकाय है, इसलिए यह स्थान मछली पालन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। क्योंकि उपयुक्त 33% जल निकाय का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है, हम अपने राज्य में मछली उत्पादन की कमी का सामना करते आ रहे हैं। तकरीबन 28 लाख की संख्या में बसे लोगों की आवश्यक मात्रा को देखा जाए तो जितना उत्पाद हो रहा है उससे 15 मैट्रिक टन की कमी दिखाई देती है और बाहर से लाए गए मछलियों के द्वारा इस राज्य में मछली की कमियों को पूरा किया जाता है। ₹80% राज्य के लोग मछली खाना पसंद करते हैं और इसी के चलते मछली के अधिक उत्पाद के लिए बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में अलग अलग जगहों में उठाया जा रहा इस तकनीक को और इस राज्य में बसे कई ऐसे किसान जो अपने पूरी कुशलता से मछली पालन कर रहे हैं, हमारे डीडी किसान की टीम ने अलग अलग जगहों पर जाकर इसका अन्वेषण किया। सबसे पहले हम नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल डिमापुर के रास्ते में इम्फाल ईस्ट के अंतर्गत बसा संगाकफम नामक एक गांव में सफलतापूर्वक रूप में मछली पालन कर रहे इंगेल एक्वाकल्चर में गए। वहाँ पर हम सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉक्टर वाई बेदजीत से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग क्या है और इससे जुड़े प्रत्यात्मिक कार्य के बारे में हमारे डीडी किसान के टीम को कई बातें बताई। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ना चला बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग है वैसी। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यानी हमारे लिए लाभदायक प्रोबायोटिक बैक्टीरियों का प्रयोग करके मछलियों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थों, उनके खाद्य पदार्थों के शेष, पानी में उपलब्ध जू प्लैंकटन, पैरामोशियम आदि सब मिलाकर मछलियों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ तैयार होता है। इस पद्धति से मछली पालन करने की पद्धति को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी वर्तमान समय के लिए बहुत ही उपयुक्त तकनीक है। इस पद्धति को अपनाकर मछली पालन करने के लिए बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती, छोटी सी जगह पर भी कर सकते हैं। बड़े तालाबों में करने के भी कोई समस्या नहीं है, पर इसे छोटे जगहों पर भी सुविधाजनक तौर पर कर सकते हैं। इसमें कम पानी कम जगह लगती है, इसलिए ये आजकल का सबसे उपयुक्त मछली पालन का एक पद्धति है। मछली पालन कर रहे किसान अपने तालाबों में कई प्रकार की मछलियों का पालन करते हैं, परंतु बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के तहत कौन सी जनजाति का मछली किस जगह पर ज्यादा उपयुक्त है, इसके बारे में भी हमें कुछ जानकारियां दी गई। मछली की टेक्नोलॉजी इस तकनीक में हर प्रकार के मछलियों को पालना सुविधाजनक नहीं रहेगा,
थोड़ी ताकतवर मछलियों और एयर ब्रेथ यानी हवाओं में सांस लेने में सक्षम प्रकार के मछलियों को पाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कैटफिश, क्लाइंबिंग पोर्स, लियोच आदि जो मछलियाँ थोड़े गंदे पानी में भी रह सकते हैं, ऐसे मछलियाँ भी हैं जिनको साफ पानी चाहिए। उन मछलियों के स्थान पर गंदे पानी को भी पसंद करने वाली मछलियाँ ज्यादा उपयुक्त होते हैं इस तकनीक में मछली पालन के लिए। बायोफ्लॉक का अर्थ है एल्गे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन, जीव पदार्थ और वे पदार्थ जो मछली पूरी तरह से नहीं खा सकते। वे मछली के लिए उपयोगी सामग्री में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ ही पानी की आवश्यकता बहुत कम हो जाने की वजह से थोड़ी जगह में भी मछली पालन की जा सकती है। मछली पालन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है और कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमें इंगेल एक्वाकल्चर के प्लानिंग एंड एक्सटेंशन हेड एन दोरिंद्र ने हमारे टीम को कई बातें बताई। मछली पालन के लिए दो प्रकार की टंकियां बना सकते हैं, एक तरपोलिन टैंक बनाकर और दूसरा कंक्रीट टैंक बनाकर। तरपोलिन पद्धति में लगभग 8 से 10 वर्ष तक चल सकता है और कंक्रीट पद्धति को अपनाए तो मरभूत की सुविधा होने के कारण लगभग 20 से 25 वर्षों तक भी चल सकता है। तरपोलिन बेसिस पर काम करना है तो सबसे पहले एक टंकी की आवश्यकता पड़ती है। तरपोलिन को सही आकार में रखने के लिए लोहे के तारों को टंकी के आकार में तैयार किया जाता है। इसके बाद एक एरेटर पंप की आवश्यकता पड़ती है। इस टंकी में 24 घंटों तक एरेशन देने रहने की आवश्यकता पड़ती है। हम प्रति घंटे में 3000 मीटर के हिसाब से एरेशन देने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम 8 से 9 एरेशन स्टेशन खोल रखा है। इसका काम ये है कि ये एरेशन लगातार देते रहने से सेडिमेंटेशन नहीं होती, पानी मिश्रित तत्व जमता नहीं है। इनके जम जाने से बैक्टीरिया परत दर परत जम गया तो इनके मरने का खतरा रहता है, इसलिए हम इनको लगातार 24 घंटों में मिश्रण करवाते रहते हैं। स्लास को मिलाने के लिए क्लेरिफाई का भी प्रयोग कर सकते हैं या एक अलग टंकी भी बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद बायोफ्लोक का प्रयोग करने के लिए पानी की गुणवत्ता देखने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। तरपोलिन तो निश्चित आकार विकार में एक निश्चित माप में आता है, इस हिसाब से टंकी बनाना पड़ता है। ये हमारा टंकी 4 डायमीटर का है, इसके बीचों बीच 6 इंच यानी आधे फीट का स्लोप दिया है। इस स्लोप में 1 फीट वाला पाइप लेकर आउटलेट देंगे, उसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। यहाँ से स्लास निकालने के लिए बाहर एक स्लास टैंक बनाएंगे। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। इंगेल एक्वाकल्चर द्वारा उठाए जाने वाला बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में तुम्हानबी यानी तिलापिया, उकाबी यानी क्लाइंबिंग पर्च, पुकलाउबी यानी कॉमन कार्प और नाकीजाओ यानी लॉच नामक 4 जातियों की मछलियां उपलब्ध हैं। इन सभी मछलियों के प्रकारों में से नाकीजाओ इस राज्य में सबसे कीमती और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस जनजाति की मछली को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी द्वारा अधिक उत्पादन की कोशिश में इंगेल एक्वाकल्चर फार्म जुटा हुआ है। और इसी तरह विभिन्न प्रकारों के मछलियों के पालने में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में भी हमें एन दोरेंद्रो ने कई सारी बातें बताई। फीडिंग अच्छी था, कोई मल्टीपल टाइम्स पीजा गने फीडिंग अनेक बार करेंगे,
एक दिन में अनेकों बार मछलियों को खिलाएंगे। कितना खिलाएंगे ये मछली के स्तर पर निर्भर है। फ्राई स्टेज में 8% से 10% तक खिलाएंगे। इसके बाद एडवांस फ्राई फिंगरलिंग आएंगे। इसमें मात्रा थोड़ा सा कम करके 6% से 8% खिलाएंगे। फिंगरलिंग स्टेज में 5% खिलाएंगे। इस स्तर तक दिन में अनेक बार खिला सकते हैं। और इसके बाद जब जुवेनाइल स्तर आता है तो 2% से 3% दिन में 2 ही बार खिलाएंगे। बायोफ्लॉक का उद्देश्य है अल्प समय में हार्वेस्ट करना, यानी 4 से 5 महीनों में मछलियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। माना जाता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। बायोफ्लॉक मछली पालन की नई तकनीक को जानने के लिए और इसे ठीक से लागू करने में सक्षम होने के लिए इसके मूल सिद्धांतों यानी बेसिक प्रिंसिपल्स को जानने की आवश्यकता होती है। और इसके बारे में हमें इंगेल एक्वाकल्चर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड टी वांगलेम्बा ने भी कई बातें हमें बताई। हमारे देश में आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है तो एंटरप्रेन्योर की भूमिका काफी हद तक जरूरी हो जाती है। हमारा मणिपुर राज्य तो आश्रित आ रहा है। इस प्रणाली को थोड़ा घटाने के लिए हम भी खुद काम करके आत्मनिर्भर बने और हमारे साथ और लोगों को भी रोजगार दिलाकर आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार लाने के इरादे से इस क्षेत्र में हमने कदम उठाया है। बायोफ्लॉक को हमने पिछले वर्ष के 9 नवंबर से शुरू किया था। इस विषय में मणिपुर में ये काम और इसका प्रशिक्षण हमने सबसे पहले हमारे बाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आया। हमारे द्वारा प्रशिक्षित फॉर्म अभी 20 से अधिक हो चुका है। हमने केंद्रीय कृषि विद्यालय के साथ मिलकर काम किया है। मेरा एक और साथी है दोरेंद्र। हम सब ने मिलकर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी प्रशिक्षण दे चुके हैं। इस प्रकार हम 4 बार प्रशिक्षण दे चुके हैं। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें इसे गहराई से जानना होता है और इसी तरह विभिन्न प्रकारों के बायोफ्लॉक मछलियों के बारे में जानना भी आवश्यक है। पानी का गर्म, ठंड, गंदगी, फ्लॉक डेंसिटी, अमोनिया टेस्ट, डिजॉल्व ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार की जानकारियों के बारे में भी हमें टी वांगलेम्बा ने कई बातें बताई। बायोफ्लॉक के फ्लॉक की डेंसिटी नापने का उपकरण बहुत ही साधारण है। इसका नाम इम्पोर्ट कोन है। इसमें 1 लीटर पानी डालने के बाद यहाँ हम जो देख रहे हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इसी को बायोफ्लॉक कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मिश्रण है। इसमें बैक्टीरिया, अल्गी, जू प्लैंकटन सब मिलाकर तैयार किया जाता है। ये जो जमे हुए हैं इनको फ्लॉक कहते हैं। इस फ्लॉक की डेंसिटी को जानने के लिए पानी डालने के बाद 10 से 15 मिनट इंतजार करके धीरे धीरे नीचे जम जाता है। उसको इस कोन में लगे आंकड़ों में नापा जाता है। 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ जितना जमता है उसी को फ्लॉक डेंसिटी कहते हैं। अभी हम अमोनिया टेस्ट कर रहे हैं। इस अमोनिया किट में 3 रीएजेंट शामिल है, रीएजेंट 1, 2 और 3। इसको बारी बारी से डालने के बाद 10 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद पानी का रंग बदल जाएगा। उसको इस कलर चार्ट के सहारे देखेंगे। अगर टेस्ट ट्यूब के पानी का रंग हरे रंग का 0.5 से अधिक हो जाए तो हमारे सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट सोर्स की आवश्यकता पड़ चुकी है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने वाली है, कार्बोहाइड्रेट डालना चाहिए। हम अभी पीएच पेपर का प्रयोग कर रहे हैं। इसको पानी में डुबाकर निकालेंगे, फिर चार्ट के रंगों के साथ तुलना करके हमारे पानी का पीएच लेवल जांच कर सकते हैं। अभी हमने इस कागज का रंग 7 से 8 तक का पाया है। इसका मतलब है अभी इस पानी में चूना डालने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसमें स्लाइड अल्कलिन है। इसमें उत्पादन होने की संभावना का संकेत है। फिशरी साइंस में अपने मास्टर्स को पूरा करने के बाद इंगेल एक्वाकल्चर के संस्थापकों ने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया है।
इस काम में रुचि रखने वालों को मदद करना और सिखाना भी वे अपने मन से करते हैं, और इसके बारे में भी हमें टी वांगलेम्बा ने कई सारी बातें बताई। इंगेन एक्वाकल्चर में हम अलग अलग प्रकार के मछलियों का व्यापारिक पालन भी करते हैं और अनुशासनात्मक पालन भी करते हैं। व्यापारिक तौर पर तुहन भी यानी तिलापिया का पालन करते हैं, इसकी संख्या अधिक मात्रा में करते हैं, और शासनात्मक पालन के तौर पर क्लाइंबिंग पोर्च, लॉच, कमन कार्प आदि सम्मिलित किया जा चुका है। हमारा मुख्य लक्ष्य नाकिजो यानी लॉच में है। लॉच को बायोफ्लॉक में पहले किसी ने नहीं किया, हमने पहली बार किया है। इसकी वजह यह है कि हम देखना चाहते हैं कि लॉच फ्लॉक को खाकर कितना बड़ा हो सकता है। अगर ये सफल होता है तो इसको किसानों यानी मछली पालकों तक पहुंचाने का उद्देश्य है। ये मछली पालकों की मांग भी है। जब किसानों द्वारा बायोफ्लॉक शुरू करेंगे तो एक मुश्किल सामने आएगी, मछलियों की सेत ना मिलने की। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या भी हो सकती है। इसके लिए सरकार की तरफ से मछली पालन विभाग, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय या ICR के लोग थोड़ा शोध करके कैटफिश, क्लाइंबिंग पोर्च, लॉच आदि मछलियों के स्पॉन उत्पादित करें तो मछली पालकों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और इसी प्रकार हमारे डीडी किसान की टीम आगे चलते हुए इम्फाल ईस्ट के आंध्रो के रास्ते में पड़ता वांगई लोरेम्बम लेरक पर बसा एक घर जिसमें बायोफ्लॉक द्वारा मछली पालन की जा रही है, वहां भी हमने जाने का अवसर लिया। चार मीटर बड़ी प्लास्टिक की टैंक पर उठाया जा रहा मछली पालन की प्रकार में उकाबी यानी क्लाइंबिंग पर्च नामक मछली है। लगभग 3000 मछलियों को पालना और उन्हें किस तरह से बड़ा किया जा रहा है, इसके बारे में भी हमें ओंखाम चिंखई ने बताया। मछलियाँ पश्चिमी बंगाल या बांग्लादेश से आएगा, 1.5 रुपए प्रति के हिसाब से आएगा। स्थानीय मछलियाँ अधिक समय लेता है बड़ा होने में, जबकि हाइब्रिड को बड़ा होने में केवल 3 से 8 महीने ही लगते हैं। सबसे पहले प्रोटोन लगते हैं, नमक और लाल गुड़ की आवश्यकता पड़ती है। इन सब आवश्यक वस्तुएं बाहर से पैकेट में आते हैं और हमें मिलते हैं। सबसे पहले पाउडर के रूप में सब मिलता है, फिर जब मछलियाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मेथी के दानों के जितने बड़े आकार में हमें मिलता है। जैसे जैसे मछलियाँ बड़े होने लगते हैं वैसे ही इसके आहार के आकार भी बड़ा होने लगता है। स्तर स्तर के अनुसार आहार उपलब्ध हो जाता है। मछली पालन का काम पिछले लगभग 2 महीनों से मैं लगातार कर रहा हूँ। उपज के भाव ताव, आवक का हालचाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। मछली पालन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों के विकास के कारण अन्य खाद्य पदार्थों की कमी बहुतायत से हो रही है। जो लोग वास्तव में इस काम को करना चाहते हैं, वे इसे किसी भी मदद के साथ या बिना करने की सोच रखने वाले वांगई में बसा बायोफ्लॉक का को फाउंडर लोरेम्बम कुलबंता से भी हमारी टीम ने मुलाकात की। हम सब नौकरी करते हैं, पर मणिपुर के सभी लोगों की मुख्य आवश्यकताएं मुश्किल से पूरा होता है। इन जरूरतों को थोड़ा सा ही सही पूरा कर सकने में मैं सक्षम होने के लिए ये प्रयास शुरू किया है। हमें तो खास पता नहीं है
इस विषय में। जो जानकार विशेषज्ञ लोग हैं वे इस विषय में हमें कुछ खास जानकारी नहीं देते। फिर मेरे बेटे और मेरे साले साहब के साथ मिलकर इसकी जानकारी खोजी, इंटरनेट आदि से भी जानकारी इकट्ठा किया है। फिर जैसे तैसे ये काम शुरू किया है। मेरे ख्याल से अगर लोग निरंतर प्रयास करें तो सफलता जरूर मिलेगी। हमारे राज्य में ऐसे कई सारे किसान हैं जो बड़े तालाबों में मछली पालन करना चाहते हैं, लेकिन भूमि की अनुपलब्धि के कारण पानी की कमी और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को अपनाने में कैसे, क्या और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में भी हमें सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉक्टर वाई बेदजीत ने हमारे टीम की पक्ष कई बातें रखी। इसमें बिजली की आवश्यकता तो निश्चित है क्योंकि एक इरेटर की आवश्यकता पड़ती है। इस पद्धति में कम पानी में अधिक मछली पालना है, वो भी मिश्रित पानी में। साफ पानी में पालना तो है नहीं, इसमें पानी का थोड़ा नुकसानदायक होना, विषैल होने की संभावना तो है। यही नहीं, इसमें लाभदायक कीटाणुओं के अलावा नुकसानदायक कीटाणुओं के पनपने की संभावना भी रहती है, जिससे जब इस पानी को बाहर निकालेंगे तो वातावरण को दूषित करने का खतरा रहता है। मगर पानी को ठीक से ट्रीटमेंट करके बाहर निकालेंगे तो इस खतरे से भी बच सकते हैं। अब तक 100 से 150 लोग आ चुके हैं, यही काफी नहीं है, और भी लोगों के आने की संभावना है। ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो तरक्की भी ज्यादा होगी, मुनाफा भी ज्यादा होगा। इसलिए 25 के लक्ष्य में केवल 25 का ही नहीं, 50-50 की उम्मीद से लोगों को प्रशिक्षण देना शुरू किया है। ये काम मैंने नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के जरिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ट्रायल करना तो बस शुरू ही हुआ है अभी। यह टेक्नोलॉजी बहुत ही नया होने के कारण इस विषय में कुछ खास ज्यादा रिसर्च फाइंडिंग तो नहीं कर सके हैं। अभी अभी इस पर ट्रायल कर रहे हैं। इस राज्य में मछली पालन द्वारा एक अच्छा आय का स्रोत किसानों के लिए प्राप्त है। बायोफ्लॉक द्वारा मछली पालन से लोग अपने आप को काम देने में सक्षम हैं। इस तकनीक से उन मछलियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जो लोगों ने कभी ना देखा और सुना था, और साथ ही मछलियों की कमी को पूरा करने में भी यहाँ के किसान कड़ी मेहनत से इस राज्य के आर्थिक विकास में सुधार ला सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है।